जगत जागो सावते जागो सावते बोलो नयन जो तुम्हार जीवन को करो अभय बोलो नयन जो तुम्हार जीवन को करो अभय भक्ति किरण जन मन में भक्ति किरण जन मन में करण जुबधरे करण जुबधरे जुबधरे यहाँ आते जाने को मन नहीं ठीक है पर संसार भी तो है यात्रा को आए फिर झुका कर जीवन का वो भगवान के चरणों में डाला चंद्र भागा की लहरों ने दुख साफ बहा दिया और चले उसे संसार के जंजाल की ओर तो इस जाल से छूट कौन सका दामा चिकी संसार की नीति ये है आज चलोगे ना हाँ भगवान को भोग लगा कर प्रसाद बनाएंगे और चल देंगे पंडित नाथ Thank you.
तो ठीक है। विठ्ठल भक्ति करने लगे तो बड़ी भाग की बात है। किसकी है तू? विठ्ठल की। ये तो है नहीं। तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जेनी। जेनी, तुम्हारे माता पिता कहाँ है बच्चा? आप किसे फोन करी? मेरे पास मार बंधु क्या सब कुछ है। अरे जाने भी तो दामा शेटी होगी कोई भिकार। आजकल पंढरपुर में भक्तों से ज्यादा तो भिकारी डटे रहते हैं। क्या कहते हो कानोबा, दया सिंधु विठ्ठल की नगरी में आकर ऐसे मासूम बच्चे को ठुकराते हुए निकल जाएं, ये कैसे हो सकता है? मेरे साथ चलोगी बच्ची? अरे तुम भी कहाँ की बैठी मोड़ लेते हो, न घराना न ठिकाना। ऐसा न कहिए, गल्ला खेड़ा में हमारा घर था, चंद्र की यात्रा को घुमाते थे। चंद्र भागा की बाढ़ में बापू चले गए, सदमा लगा, माँ भी नहीं गई। मरते मरते वो बोली, जना मैं भी देव के घर चली, तू पांडुरंग की शरण है, अब वही तेरे सब कुछ है। तू भक्ति भाव से विठ्ठल की सेवा करेगी तो वो तेरी बात कभी न छोड़ेंगे। सच है बेटी, त्रिलोकनाथ है तो अनाथ कौन? तो मेरे घर विठ्ठल है वहाँ? विठ्ठल कहाँ नहीं है, वहाँ भी विठ्ठल का मंदिर है। मेरा नानिया ये भी तेरा जैसा विठ्ठल प्रेमी है। कमला मैया कमला मैया, मैं पूर्ण चौक तुम धरो चरण, करो घर आंगन रूपा सुवरण, तुम धरो चरण कमला मैया कमला मैया। अम्मा ना आप दूध दे। देख ये चौक पूर लो और आप ही दूध देती हूँ अपने नाम को। ना अब भी तो आप भी लाओ। ये धुलिया तूने? देखो धुलिया ना। और भगवान को प्रणाम की? हाँ। अच्छा तो फिर थे? फिर नहीं आप भी सुना कि नहीं? हर साल करूं मैं तुम्हारे दर्शन, मेरे पति सुत जी मेरा खबर।
अधूरे होंगे। अनाज को हटकना होगा, कूटना होगा, पीसना होगा, बीनना होगा, सुखाना होगा, छानना होगा, समझे? हाँ हाँ, और भी तो कुछ होगा, करूंगी। अम्मा तू जो कहेगी वो करेगी। को कहा कि ये करके दिखाया, हाथ तो चलते नहीं बस जुबान चलती है। मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं सब करूंगी। जरा शक्ल तो देखो, भिखारी के हाथ से हाथ थोड़े चलते हैं। नाम दे को जाने में देर हो रही है, कलयुग बन गया। तुम्हारे कलयुग में लगी थी, महारानी को दाल पीसने को दी, सो बेसन कुत्ते को घुमा दिया। बाबा बिना बाप के मारा अपनी बहन को। मारूंगी और फिर मारूंगी। अरे अरे क्या करते हो, अपने नामिया जैसी बच्ची है जरा सी। तुम्हारी ही लाड़ में बिगड़ी है ये, बस बहुत होली है लाड़। खड़े खड़े सुन के रहिए, जा कपड़े लेके धोने को। और इन्हें कहाँ छोड़ के चली, काम पड़ा है,
जल्दी आना लौट के। जरा मुझे ठार लो, रसोई हो चुकी मेरी, कल दिन भर के उपास से हो, खाली पेट मत निकलना धूप में। खाना भी रहने दो, बांध दो कलेव। लोग मेरी बाट देखते होंगे, राह में खा लूंगा बैठ के सबके साथ, और नांदेव को भोग लगाने के लिए मंदिर जरूर भेज देना, घूमना मत। मेरी रानी बहन को कितना मारा अम्मा ने, सब बदन दुखता होगा ना, अम्मा बहुत बुरी है। अम्मा के लिए आयसो नहीं कहते, अम्मा यानी देवता। उतर कपड़े तुझे मिला दी है। चमके चक्र दर्शन मनुआ हर तेरे भाई, ओ मनुआ हर तेरे भाई, राम रस भर के राम रस भर के राम रस भर तेरे भाई, राम रस भर तेरे भाई। कपड़े ला, यहाँ ला।
देखा दूर के औरतों का है। तो बड़े पुरुषों को भी स्त्रियों की मदद करनी चाहिए। भाई पानी दोगी जरा सा, बच्चे कुमला गए हैं धूप में। अभी देती हूँ। वाह क्यों? अम्मा ने मारा सोचो बन से जाते ऊपर से ये सब कपड़े धोने पड़े, तुम क्यों नहीं छीन लेते पानी? हाथ है ना तुम्हारे? हाथ तो है पर किस काम के? नारायण ने कुए बावड़ी ताल तड़ाग सब पानी से भर दिए हैं, पर हमारे लिए नहीं, हम अछूत हैं। प्यास के मारे इन बालक नन्हों के लिए गांव भर पानी की भीख मांगी, पर एक बूंद पानी की न मिली। एक बूंद पानी तो कोई देता नहीं तुम्हें, क्यों जाते हो इतने दूर चल के पंढरपुर? क्यों जाते हैं पंढरपुर? बुरे हाल में जाते हैं, बहुत दुख उठा के जाते हैं, पर जब कहीं जाते हैं पंढरपुर मंदिर के शिखर को दूर से देखकर कलेजा ठंडा हो जाता है, सब दुखता छिन्न बिसर जाते हैं। सांगे विठल के सलोनी मूरत देखने को नहीं मिलती, पर उनका मंदिर तो दिखता है, आंखें मंदिर के कलश को तो निहारती है, प्राण पुकारते हैं तब अछूत बनकर ही सही, पर जन्म जन्म विठल के देखने ही हम शरीर धारण करें। पैसों को पानी पिलाया है तुमने, कान तुम्हारा कल्याण करेंगे बेटी। आप समझी तू चुप्पी हुई है क्यों? हरा रहे जो मारती हूँ पानी करके फिर कमाती है। अम्मा ये आम गाँव के अछूत है बेचारे, पानी ले गया किसी ने। क्यों देखो ये अछूत को, पर ये कब माने फिर से निकलेगी दर्शन बिगाड़े खुद आपूर्ति और उसे लेकर दिया कर देंगे। क्यों ही बहुत खबर नहीं थी नामदेव को मंदिर जाना है? मंदिर जाने को मना कौन करते है? पर सुख के बिना भीजू पैसे अम्मा पर तुम भी तो हो गया आखिर जो मैं जानते नहीं क्या? हरगंगा जय जमुना मैया की, हरगंगा जय जमुना मैया की। तुम देख क्या रही है? उठा और सब अंधे को रोटी दो बाबा, अंधे को रोटी दो बाबा। चोट तो नहीं आई बाबा? नाम दे थाल में से थोड़ा सी नहीं दे देना, भगवान को भोग लगाने से तो नहीं ना। आप मैं ऐसे करूं कहीं भगवान से कि सब काम जाना है। हाँ ठीक, कहते मैं मान नहीं दूंगा लाऊंगा बचा के। बाबा तुम ठहरो मैं अब भी आया। बहन तुम थे
मुझे पराई मत समझो। तुम्हारी बच्ची से भूल गई, अब बन तुम न दो तो और कौन? मुझे नाथ को और किसके प्यार का सहारा है? मैं तुम्हारे द्वारा ही, तुमने आसरा दिया, मुझे अपनी बिटिया बनाया, बेटी को माँ की इतनी भी सेवा न करने दोगे? मेरी बच्ची, मैंने तुझे दुख करा, हट करा, मारा, पर फिर भी तुमने मुझे अपना गले लगाए ना। मेरी बच्ची रूपा से मेरी रानी, व्यक्ति का बच्चा, मेरा नानी है जिसे पहचान गया, उसके गुण मैं न जान सकी। अम्मा, तुझे अच्छी लग गई तुझे? किसी ने अच्छी लगेगी जमी, दीदी है मेरी बिटिया। तो आज तो वो इन पर गुस्सा भी नहीं करेगी? गुस्सा करेगी तो क्या माँ? माँ नहीं रहेगी मेरी लाडली। नाना, ये तेरी दीदी है, जन्म भर इन्हीं प्रेम से रहना बच्चा। पापा, अब चल ना। कहाँ? बाहर आंगन में। देखो ना तुमने, बाबा ने पांडुर ला के दिए है, खेलेंगे साथ, पूजन करेंगे, वजन करेंगे। चल बस, ये गोबर पाखियो आज चलो। तू जा, भोजन तो शुरू कर, जल्दी आना। हो बरस राम बरस गुंजे नाम हरि, हो गुंजे नाम हरि, बरस राम रस गुंजे नाम हरि, हो गुंजे नाम हरि, राम रस बरस राम रस बरस चल पंडरी, राम रस बरस चल पंडरी, गुंजे नाम हरि, गुंजे नाम हरि, गुंजे नाम हरि, गुंजे नाम हरि, कभी फल चले हाथ कभी हरिमुरली अपर धरी, कभी फल चले हाथ कभी हरिमुरली अपर धरी, मुरली अपर धरी, मुरली अपर धरी, गुंजे नाम हरि, गुंजे नाम हरि, गुंजे नाम हरि, हरि 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 श्री हरि मेरे तो श्री हरि, मेरे तो श्री हरि, मेरे तो श्री हरि, नारी पूजा पूजा, मेरे तो श्री हरि, हरि नाम पाठ्याम धाम के पंडरी, पंडरी पंडरी, कमल नयन कमल बदन कमल चरण हरि, कमल चरण हरि, मेरे तो श्री हरि, मेरे तो श्री हरि, मेरे तो श्री हरि, सलीला चंद्र भागा, पुण्य सलीला चंद्र भागा, पुण्य सलीला चंद्र भागा,
मिले शरण भाग जगा चंद्र भगा गले नाम भजना मैया गले नाम भजना विठल से लागिल जन विठल से लागिल जन पांडुरंग 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 विठल पांडुरंग 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 किसी तरह समझाएंगे क्या हुआ बहू काम धंधा छोड़कर किस कदर से भटकने लगे हैं ग्राहक कपड़े लेने आता ही होगा अब भी सियाने ज्ञान से मैं ये कर लूं और फिर गुरु नाम दे पांडुरंग विठल पांडुरंग 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 विठल पांडुरंग 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 विठल पांडुरंग 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 विठल पांडुरंग 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 छान बजाना छोड़ो और काम पूरा करो ग्राहक आता होगा चार पैसे हाथ आएंगे तो चूल्हा जलेगा सवेरे से सब भूख के बैठे हैं ये भी ठीक है उपवास से अनायास पुण्य मिलेगा पुण्य मिलेगा तुम्हारे लिए तो सब ठीक है पर इन बच्चों की तो सोचो ये काम पांडुरंग का है पांडुरंग क्या किया है पांडुरंग ने हमारे लिए गांव छुड़वाया यहाँ पंडरे में लापट का क्या दे दिया हमें पांडुरंग ने सासू जी और बापू खाली हाथ और भूख के पेट मरे अब इनकी बारी है वही होगा जो नारायण के मन में है हमें तो बस उनके नाम से मतलब पुकारते हो रात में उसका नाम पर सुनता कब है तुम्हारी बड़ों के जाने के बाद एक एक कील चलना तक निकल गया घर से रह क्या गया इन दीवारों के सिवा सही है बस पकड़ दो सबके साथ खैर आज दर्शन तो हुए आपके अरे भाई हमारे कपड़े देने हैं कि नहीं चक्कर काटते काटते सिर टकरा गया तैयार है अंकल बस दही लगाना बाकी है तेली लगेना बाकी है लाओ बिना नहीं तो छह महीना और जाएंगे पर इतने किए थे तो पैसे दोगे ना कपड़ा तैयार नहीं अब पैसे तो तैयार मैं अभी तैयार किए देती हूँ ये पहले से नहीं सुझा तुम्हें छप्पन फेरे लगा चुका हूँ जब पूछो तो टका सा जवाब मिलता है आज सवेरे की आरती को गए हैं आज सांझ की आरती को गए हैं कभी नदी पे कीर्तन कर रहे हैं तो कभी मंदिर में अभी निकल ले एक टाका तो मारो कम से कम बड़े भजनानंदी बने हो तो ये पसारा काहे के लिए बैठे हो संसार का संत बने ये लौंगर खा अरे लो टका गुस्सा मत करना काम देना मत भूलना हमें बहुत ठीक आने जाने के लिए किराए के पाव मिल गए तो जरूर काम देंगे पर मैं करूं भी कह देना विठल के नाम की माथुरी में काम धाम सब बिखर जाता है ये सच है पर काम धाम को बिसरा कर कैसे निभा होगा
संसार है ना। हाँ, पर संसार में मन नहीं रमता। मन को बसने करना होगा। सच्ची भक्ति संसार को साधने नहीं है। पर जना, असार संसार और अपरंपार की भक्ति को संग संग कैसे साधो? साधन है नामदेव, हरि नाम लो और काम करो, लोक और परलोक दोनों सज जाएंगे। करो काम भजो राम सहज भवतरो, कहे चोखा नाही धोखा ध्यान सब धरो। प्रणाम बहन। पालागु महाराज, बड़े भाग हमारे जो घर बैठे चंदन के दर्शन हुए। सन के लिए सब जन सन, मैं आपको नोटा देने आया हूँ। कहे का हम मंगल बेड़ा वालों ने सप्ताह कराया था, सो आज आपके कीर्तन के साथ अनुष्ठान पूरा हो, बस अब पढ़ाए। चलिए चलेंगी न बहन? बहू से कह के अभी आती हूँ। बाल गोपाल मजे में तो है, दिखे नहीं। नारा मिठा, अरे चोखो बता गए हैं। आओ आओ बच्चो, खाओ खाओ। हाँ चलिए। जनाबहन जनाबहन जनाबहन, कहो ढूंढी। गोविंद पंत ने बोला है, दो घड़ी हो गए मालकिन को कराते कराते, बच्चा नहीं आया अभी। ऐसा? हाँ। चोखोवा महाराज, मुझे तो यहाँ रुकना पड़ेगा, आप दोनों जाइए। चलो बस पलक मारते ही छुट्टी दिलाता हूँ भाई को। हमारे स्थान के पार्टी में करामात देखना, पलक मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी पिशाच व्याथा है, पर मैं भी पिशाच का भाव हूँ। चंद्रभागा में गले तक डूब कर साधना की है, डर तो नहीं जाएगी। अब गया पिशाच पल्ली पार, और अब आया देवता रक्षण करने। हे आवाज मत करो, बाधा पड़ती है मंत्र में। विठल नाम से बड़ा और कौन मंत्र है? बहुत वेदांत मंत्र है, जरा अपना काम देख। वो तुम्हारे सब दुख दूर करेगा। कहो थाला
विठ्ठल 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 नामती माधुरी विठ्ठल नामती माधुरी झक झक फलक रही झक झक फलक रही विठ्ठल 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 झुलके ऋषि मुनियों के दिए हुए मंत्र है संजीवनी सिद्ध थी उन्हें ये कितनी सी बात है। अरे
अम्मा, अरे अम्मा, उठा, अब आएंगे ना थोड़ा, जब तक अब घूम पाने थे, क्यों आएंगे तेरी सना पुआ, होंगे वो भी उनकी जगह मंदिर में, जो मत बोलो, अजबू होता है। करो क्या आज दिन भर इनके पेट से हमने एक दाना भी नहीं किया वो तो मैंने को दुख हुआ वो तो निकल गए थी सब करने घर में एक मुझे आना है तो पास में एक जगह जो तो पांडुरंग दस बरस बीत के उसके सिवा दिया क्या है पांडुरंग ने हमें अब ऐसे दिया नहीं जाता धीरे सुनो मैं जाती हूँ किसी तरह से भी थोड़ा बहुत जरूर लाऊंगी जल्दी आना अपना अभी आई बेटा मालिक से क्या है फिर घर जाऊँ है तुम्हारे पास नाम तो बाहर गाँव गई है आने पर दाम दे जाऊंगी इस जन्म में तो पैसे का आशा जाओ मत ना मत कहो नामदेव सिलाई करके पैसा चुका देंगे नामदेव और सिलाई करके दे इनका हिसाब तो यह है कि नाना का कपड़ा नवासी को भी मिले तो बहुत समझो घर ठिकाना नहीं भाई जाओ ना भाई नामदेव ने तो बस नगद का सौदा रखा है हमारे साथ सुधार तो गया क्यों रिश्ता रिश्ता के तुम अपना कौन है सबका गला एक ही सा एक ही बार में सब किस्सा खत्म हो जाए कुछ ना हो तेरी जगह पर तुम भाई बहन एक से वो भी खाली हाथ आए और वैसे भी चले गए कीर्तन में जाओ तुम भी वही जाओ मत आ कोई मेरे पास मैं और मेरे बालक चाहे धूप में तड़प तड़प कर मर गया चाहे कंधे वाला भी टूट मरे कलिकाल कराल महासागर हरि पाद लगावन हारे हैं जिनका न और आधार कोई उनके विठल रखवारे हैं हरि पाद लगावन हारे हैं हरि पाद लगावन हारे हैं हरि पार लगावन हार है 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 तुम तो एक तुम ही रख जाओगे मां देव को तो बहुत से तरक्ते हुए अपने बच्चे जैसे देखते हैं माया मोहना पहचाने उन्हें माया मोहना पहचाने वो उन्हें माया मोहना पहचाने वो सब की व्यथा कथा जाने वो सब की व्यथा कथा जाने सब जग के पालन हार है सब जग के पालन हार है हरि पाद लगावन हार तुझे तक क्या आधार हो तो सुख शांति हरे के चरण युगल सुख शांति हरे के चरण युगल करुणा के सरोवर नन कमल करुणा के करुणा के सरोवर नन कमल मुरली धर गिरिवर धार है मुरली धर जो विठल नाम अधर के धरे जो
विठल नाम अधर पे धरे हैं, उसके आगे पीछे हरे हैं, उसके आगे पीछे हरे लीलाधर कृष्ण मुरारे हैं, लीलाधर कृष्ण मुरारे हैं, हर पार लगावन हारे हैं। जब जिसने आंचल फैलाया, जब जिसने आंचल फैलाया, पाई पीतांबर की छाया, पाई पीतांबर की छाया, भक्तों के वही सहारे हैं, भक्तों के वही सहारे हैं, हर पार लगावन हारे कितना तो बहुत है। प्रभु की पद रज मेरा चंदन, प्रभु की पद रज मेरा चंदन, भजो नाम सदा करो पद वंदन, भजो नाम सदा, भजो नाम सदा, भजो नाम सदा, भजो नाम सदा, भजो नाम सदा करो पद वंदन। पितुमात सखा वो हमारे हैं, पितुमात सखा वो हमारे हैं, हर पार लगावन हारे हैं, हर पार लगावन हारे हैं। जय जय विठल जय हरि विठल, जय जय विठल जय हरि विठल। मैं और मेरे बालक चाहे धूप में तड़प तड़प का मर जाए, चाहे चंद्र भाला में डूब मरे। जय जय अब तुम ही बताओ, जो विठल यूं प्राणदान करे तो उसने अन्न क्यों नहीं दिया इन्हें? भगवान की लीला भाई। लीला वीला कुछ नहीं, ये सब ढोंग है इन झांझियों का। राजाई को कुदवाया, जनी को चीखवाया, आए गोविंद पंत भाभी को निकाला, और उधर नामिया ने फुदक फुदक कर गाया विठल 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 विठल, बस गांव भर में उड़ा दिया। विठल ने बचाया बच्चे को, विठल ने बचाया, और बच्चा उसे भी सिखा दिया होगा पड़ा रहे दम साधे। अरे पेट भरने का धंधा है। भज मन कमल नयन कमलेश, भज मन कमल नयन कमलेश, भज मन कमल नयन कमलेश। दिन पर कोटि चंद्र न्यौछावर, दिन पर कोटि चंद्र न्यौछावर, लज्जित कोटि दिनेश, भज मन कमल नयन कमलेश, भज मन कमल नयन कमलेश, भज मन। जन्म जन्म की कठिन कमाई, कठिन कमाई, जन्म जन्म की कठिन कमाई, कठिन कमाई,
चरण चरण श्री धरती पाई, चरण चरण श्री धरती पाई, मानुष योनि धन्य हुई, मानुष योनि धन्य हुई, धर नाम अधर पर में, धर नाम अधर पर मेश, भज मन कमल नयन कमलेश, भज मन कमल नयन कमलेश, भज मन माटी की काया कंचन हो, माटी की काया कंचन हो, कंचन हो, माटी की काया कंचन हो, जोहरी से नित लागी लगन हो, लागी लगन हो, जोहरी से नित लागी लगन हो, लागी लगन हो, मिटे ताप तीनों, मिटे ताप तीनों, कट जाए पल में सकल कलेश, जाए पल में सकल कलेश, भज मन कमल नयन कमलेश, भज मन कमल नयन कमलेश। जा रहे हो ना? कहाँ? भूल भी गए दादा साहूकार के घर? जना तुम कहती तक हो पर मेरा मन नहीं मानता। दादा साहूकार क्या देखकर कर्जा देगा मुझे? वो देखकर देगा। अरे तुम ही तो कहते हो भक्त का काम भगवान करते हैं, वही दादा साहूकार को भी बुद्धि देंगे, तुम्हें कर्ज मिल जाएगा, व्यापार चलेगा, गृहस्थी जम जाएगी। उठो आइए। इधर कैसे भूल पड़े? कुछ व्यापार व्यवसाय करना है तो करो ना, इसके लिए यहाँ कैसे दर्शन दिए? आप कुछ मदद करें। लाऊंगा दोनों के लिए लाऊंगा। और बाबा पता है लाऊंगा बोली बोल के लाना हो। अच्छा अच्छा संभालना खूब और जल्दी आ जाना। जनी बैठे ना वहां। विठ्ठल तुम्हारे साथ है, सफल हो तुम।
बजे काले बाबा हमारे गए बजलिया को बाबा गए बजलिया को बाबा गए बजलिया को बजे काले बाबा हमारे गए बजलिया को बाबा गए बजलिया को बाबा गए बजलिया को ना वेंगे वो पेटा बल्पी ना वेंगे वो पेटा बल्पी थैली भर भर टका अशर भी थैली भर भर टका अशर भी पेटा बल्पी टका अशर भी पेटा बल्पी टका अशर भी गए जरी की टोपी लाने गए जरी की टोपी लाने पसंद बलिया को गए जरी की टोपी लाने पसंद बलिया को बाबा गए बजलिया को बाबा गए बजलिया को बड़े सकाले बाबा हमारे गए बजलिया को बाबा गए बजलिया को बाबा गए बजलिया को अम्मा को तो शादी से ली अम्मा को तो शादी से ली झूमर झांझन कड़े पछेली झूमर झांझन कड़े पछेली शादी से ली कड़े पछेली शादी से ली कड़े पछेली सना भुआ के दिला में के काली समझिया को आहा काली समझिया को हो काली समझिया को कैसे क्या हो जानते हो मेरे लिए क्या लाएंगे नामदेव क्या हरे नाम के कंठी माला हरे प्रेम के शान दुशाला कीर्तन के कंगन के गिल्ला हरि प्रसाद हरि कृपा विशाला लाए के भैया मेरे हर के सदिश्वरिया को लाए के भैया मेरे हर के सदिश्वरिया को हर के सदिश्वरिया को भैया गए बजरिया को बाबा गए बजरिया को बड़े सकाले बाबा हमारे गए बजरिया को बाबा गए बजरिया को बाबा गए बजरिया को मामा आये। राजो कहाँ है अभी भेजती हूँ मामा पापा पैदल गए क्यों कीर्तन के लिए ना जली की टोपी लाने और बोली बोल के बताते सब राजी खुशी तो है मैया की दया है फिकर तेरी है बात क्या थी जो तू आत्मघात करने चली पहले ये बता किसने कहा कपड़ा धोते धोते पांव लपट गया था मामा तू कितना ही छिपा अपने बहनोई महाराज की लायकी मैं खूब जानता हूँ अब तो काम धंधे में बहुत ध्यान है व्यापार के लिए ही पैठन गए हैं हमारे बहनों ही और व्यापार उधरा हुआ तो सिल भी जाता है पर फटा हुआ बेकार ऐसी बात मत बोलो दादा उनके आने तक रुक कर खुद ही देख लेना दो एक दिन में आते ही होंगे बहुत अच्छा आंधे को क्या चाहिए दो आंख मेरी दो आंखें तो पैठन गई हैं दादा आने तक रुको ना आते ही होंगे कहा जा कल रात लुटेरों ने सारा गांव लूट लिया न अनाज का दाना छोड़ा न पहनने को कपड़ा सारा गांव चौपट कर दिया वो बोले इनकी ये दशा की अरे रहा आदमी को आदमी लूटे पशु भी करेंगे अनर्थ ये अत्याचार बड़ी कृपा की विठल जो मुझे यहां भेजा लो ये सब तुम्हारा है
अरे माधो, ओ पांडू, आओ आओ कपड़ा लो, कपड़ा कपड़ा, अरे आओ कपड़ा दो, कपड़ा ये ये ऐसा क्या कर रहे हो जंगली की तरह? दूर से आए हैं, बैठने भी दोगे कि नहीं? व्यापार में मेहनत वसूल हुई? हाँ। देखो, मैंने कहा था ना, विट्ठल तुम्हारे साथ है, व्यापार में तुम सफल होगे। सच है जना, व्यापार में इतनी सफलता मिली जितने की आशा भी नहीं थी। निकला था स्वार्थ के व्यापार के लिए, नारायण ने पारमार्थिक व्यापार की राह दिखाई, भाग्य खुल गया मेरा। मुसीबत के मारों को बांट दी सब स्वार्थ की कमाई, लुटेरों ने बिचारे गांव वालों को भूखा नंगा करके छोड़ दिया था। मैं तो पहले से जानती थी कि तुम्हारे हाथ में शनिचर है, कोई काम ठीक नहीं होगा तुमसे। और तू तो कहती थी कि बहुत सुधर गए हैं आप। हाँ मेरा, मैंने तो मन सुबह बांधे थे कि इनका धंधा चलेगा और मेरी गृहस्थी चलेगी, मगर इनसे दुर्भाग्य पल्ला ना छोड़ा गया। अब भी अक्कल से काम ले और चल मेरे संग, तू और तेरे बालक हमारे लिए बोझ नहीं बनेंगे। इसी घड़ी अभी उठ चल, रहने दे नहीं यहाँ, छाज बजाया करे। हाँ चल, चल रे। बड़े बड़े इंसान कहीं के परमार्थ करने चले हैं, घर में न फूटी कौड़ी है, न खाने कौन, न पहनने को कपड़ा। चलो रे, ऐसा मत करो बहू, मेरी बात सुनो, सुनने को और कुछ बाकी है? चलो दो बच्चों को मेरे पास। क्यों, उनको मारने के लिए? चलो चलो। नामदेवा, क्या हुआ जना बहन? ज्ञान भैया, अब तो बता, अपने भक्तों को दुख देने से मित्र को बहुत दुख होता है क्या? बहन, ये तू कह रही है? किसने कहलवाया है, तो क्यों न कहूं मैं? हुआ क्या है भैया? जैसे तैसे तो नामदेव ने घर की ओर ध्यान दिया, व्यापार को निकले, बहुत फूले न समाई, पर मित्र ने, इस निर्दयी ने दया जगा दी इसके मन में, लुटवा दिया नामदेव को, साचू की आशाओं पर पानी फेर दिया, सहन गया बेचारी से, उनके पैसे बच्चों को लेकर चले गई पिहर, बनी बनाई गिरस्ती उजाड़ दी इसमें। तू भूलती है बहन, सपने में समझदार पाई, सपने में संपदा रुपाई, मोह कहे मेरी मेरी, ज्ञान कहे
तेरी नाव कमाई संपदा जो पाई तेरी नाव कमाई तू है मेरी कहे सदा धारा से किनारा तोड़ नाता छोड़ तीर बहे जल धारा पल में जो आई लहर छीनो में गवाई संपदा रुपाई छीनो में गवाई दाता तो विधाता है अहंकार अपना लेन देन है सार साच नहीं सपना साचा एक हरि नाम हरि बोल भाई संपदा जो पाई हरि बोल भाई जना सिर्फ विट्ठल की ही माया है वो जिन्होंने गांव लूटा विट्ठल है और जो लूटे वो भी विट्ठल और लूटे हुए को अपना सब कुछ लुटाने वाले नामदेव कौन विट्ठल रूठने वाली राजाई विट्ठल तू जो चिंता करती है तू विट्ठल और ये जो बोल रहा है तेरा ज्ञान भैया ये भी विट्ठल भैया तुम ऐसा कुछ बोलते हो कि मेरी बुद्धि बेचारी कुछ बोल नहीं पाती सत्य के जाल में फंसकर वे संसार को माया जाल समझने लगती है फिर संसार की माया से छूट भी नहीं पाती छूटे भी क्यों संसार भी विट्ठल है सचराचर ये सृष्टि उसी का स्वरूप है विट्ठल को पहचान लिया तो जाल की कड़ी कड़ी में बंधा हुआ मन भी मुक्त है भैया कितने अनमोल है तुम्हारे बोल संसार में जकड़े हुए सब प्राणियों को एक एक को बताओ इनका मोल विट्ठल के ये वचन सबको सुनाने के लिए ही मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ चलो तुम दोनों मेरे साथ तुम दो जाओ मैं क्या करूंगी जाकर न ज्ञान पाना जानती हूँ मैं न ज्ञान देना ज्ञान से मेरी पहचान ही कहाँ मैं यही रहूंगी नाम भजूंगी और नामदेव के घर की देखभाल करूंगी कल के दिन भाभी भी आ जाएगी और यात्रा करके जब तुम आओगे चरण छूके तीर्थ लूंगी बस घर बैठे यात्रा का फल मिल जाएगा तो कल चल पड़े नामदेव क्या जाना है विठलम 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 केशवम विठलम केशवम श्रीमान कहो क्या हुआ जनी के घर आदमी हुआ है वो आती है अच्छा भेज देना इसे और खंडू का क्या हुआ आया था रोज झिक के फिर मोहरत मांगता है रोने दो इनका जन्म ही झिकने के लिए होता है कर लो खेत खलियान पे कब्जा रुको श्रीमान पूजा में है क्यों जनाब आए भाग गए ना नामदेव गांव छोड़ के ये आप क्या कह रहे हैं भैया तो ज्ञानदेव के साथ तीर्थ यात्रा को गए हैं बस अब तीरथ का ही धंधा रह गया है हो लिया व्यापार तो सर पर करज का पगड़ बांध लिया और धर्मात्मा मुंह छुपा के भागे सोचा होगा रकम बट्टे खाते कौड़ी कौड़ी चुकाएंगे लौट आने दीजिए जाके आता कौन है भाई पंडरी को छोड़कर कहाँ रहेंगे मेरे भैया खैर होगा पर कागज की म्याद निकली जा रही है घर पे कब्जा करना पड़ेगा श्रीमान को नहीं नहीं बच्चों के सिर की छान छीनिए तो करें इंतजाम नामदेव के चले आप निश्चिंत रहें मैं स्वयं कष्ट करूंगी मेहनत मजूरी करके आपकी रकम चुका दूंगी Thank you.
कब आए मेरे राजा? मामा के गांव नहीं ले गए ना हमें? मामा गांव के बहुत मत गलत हुआ चाचा को रहा। क्यों रे? वो मामी है ना, वो मेरे गाल खींच के बोलती थी मोटा जाए है कैसे करूंगा। फिर तो अम्मा और मामी में लड़ाई भी हुआ। मामी जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी बिचारन गई की अपना को छोड़ के दूसरों के टुक तोड़ती है और ऊपर से दिल रखती है। वाह मामी बहुत बुरी है। अपने मुंह से किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए बच्चा। हुँ? बुरा नहीं कहे तो क्या करे? सच्ची बात है, मेरी ही अकल चूल्हे में गई थी, अपना घर छोड़ के दूसरे के आश्रय गई। कौन किसका भाई और कौन किसकी भाभी? कभी किसी ने मेरे बच्चे पर हाथ भी नहीं उठाया था और वो ऐसे डायन निकली कि मेरे बालकों को ढूंढ डालती थी जैसे कोई ढोर को मारे। नहीं थी। अच्छा अच्छा, अब तो अपने घर आ गई ना, तुम आओगी? मैंने पहले ही कह दिया था नामदेव से, उसके जाते वक्त। जाते वक्त वो गए? कहाँ गए? वो तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं ज्ञानदेव के साथ। मेरे ही किए से, मेरे ही कारण वो गए। मैं बकबक न करती तो वो जाते ही क्यों, संसार से उठते ही क्यों? अच्छा नतीजा मिला, तीरा ने मुंह मोड़ लिया, उस ससुराल में वो भी छोड़कर चले गए। ऐसी बात मुंह से न निकले और ना आंखों से आंसू, बच्चे क्या सोचेंगे? देख तो बालकों का मुंह कुंभला गया है, कुछ खिला पिला इन्हें। चलो पंडरीनाथ सुनिए पंडरीनाथ जी, सुनिए पंडरीनाथ जी, सुनिए पंडरीनाथ जी। ले ये भी सो गया। बिता के मैं अभी आई, आना मत बहू, तुम भी सो जाओ, थकी मांदी हो ना। नंदी बारह घर की पिसाई कैसे होगी तुमसे अकेले? अकेले क्यों, विठल का नाम तो मेरे संग है। विठल के नाम से पापों के पर्वत यूं पिस जाते हैं, इन दो दानों की क्या बिसात है। जा अब सो जा। सुनिए पंडरीनाथ जी, सुनिए पंडरीनाथ जी, दियरा भीजे दर्शन दीजे, दियरा भीजे दर्शन दीजे, दर्शन दीजे नयना भर अनाथ जी, नयना भय अनाथ जी, सुनिए पंडरीनाथ जी, सुनिए 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 पंडरीनाथ जी। रत नारत नाम नारायण, रत नारत नाम नारायण, प्राण तिहार साथ जी, तुम हो सखा तुम्ही हो स्वामी, तुम हो सखा तुम्ही हो स्वामी, दही हमरा हाथ जी,
गहिए हमरा हाथ भी सुनिए पंढरीनाथ जी, सुनिए पंढरीनाथ जी, सुनिए 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 Thank you.
गुदड़ी तुम्हारी है, कबूल किया है तुमने। ये गुदड़ी श्री विट्ठल की मूर्ति के पास पड़ी हुई है ना, तो ये वहां कैसे पहुंची? ये मैं नहीं जानती। ये बात है। अच्छा ये बताओ, श्री विट्ठल का कंठा तो तुम्हारे घर निकला? हाँ। तो साबित हुआ कि चोरी तुमने की? नहीं, मैंने चोरी नहीं की। कल रात विट्ठल आया मेरे घर, बहुत थका हुआ था, नींद आ गई और मैंने ये गुदड़ी यही उड़ा दी थी उसे। सवेरे जाते वक्त वही भूल गया होगा कंठा। जाते पर क्यों उड़ाई है? विट्ठल आए थे तेरे घर स्वयं पांडुर? हाँ, सदैव आते हैं वो, बोलते बतलाते हैं, मेरा सब काम काज कराते हैं। मेरे सखा है ना? बंदर दबते हाथ ना, सुखन करो सखा। ये बात ढांगियो डफरियो और अपना सुधो से कहना, यह नहीं चलेगी तुम्हारी है। जैसे कि विट्ठल भगवान इनके चाकर और खिदमतकार हैं। नहीं, वो तो सचराचर के पालनहार और जगत के स्वामी हैं, पर अपने दीन भक्तों पर वो सदैव जो अनगिनती उपकार करते हैं उन्हें कैसे न गिनाऊं। बस अब चला इसका सन पुराण, एक बार चक्कर में आए इन बातों के तो जन्म भर फैसला न होगा उस बात का जिसके लिए हम यहाँ जुड़े हैं। सीधी बात है, श्री विट्ठल का कंठा जो चोरी गया था आरोपी के घर बरामद हुआ और आरोपी ने खुद कबूल किया है कि ये गुदड़ी जो श्री विट्ठल मूर्ति के पास पड़ी मिली उसकी है। बस तय हो गया, चोरी आरोपी ने की है। अब बात इतनी सी रह गई है कि सजा क्या होनी चाहिए इस घोर अपराध की। शांत हो भाई, पंच अब अपना फैसला देते हैं। श्री विट्ठल का रत्नजटित कंठा आरोपी ने भगवान के गले से उतारा और चुराया है, गुनाह साबित हो चुका है। सब पंचों ने एक राय से आरोपी को दोषी ठहराया है। अब इस अपराध का दंड सुनाने से पहले मुझे आप सब लोगों के सामने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहनी है। यह चोरी कोई मामूली चोरी नहीं है, साधारण चोरी के गुनाह से कहीं बड़ा और कहीं भयंकर है ये गुनाह। ये चोरी सिर्फ चोरी के लिए नहीं की गई है, इस चोरी को मूर्ख स्वार्थी और पाखंडियों की एक टोली के षड्यंत्र के रूप में समझना चाहिए। बस हम ही सच्चे भागवत हैं, बस हम वैष्णव हैं, हम ही भगवान के लाडले हैं। भगवान हमारे संग बोलते बतलाते हैं, नाचते गाते हैं और हमारा कामकाज भी करते हैं। ऐसी कच्ची बातें करके और गाल बजाकर ये लोग भूली और अबोध प्रजा को बहकाते हैं। अपना रंग जमाने के लिए इन लोगों ने स्वयं भगवान की दी हुई वेदवाणी और हमारी शुद्ध सनातन वैदिक धर्म और संस्कृति का विरोध किया है, और देववाणी संस्कृत भाषा को नीचा दिखाने के लिए ये लोग छंद और अर्थ से शून्य अपनी शूद्रवाणी का प्रचार करते हैं। भाइयों, इस तरह हमारे वैदिक धर्म का अपमान करने वाले और हमारे देवी देवताओं को अपने संग लपेट कर उनकी छीन छानी करने वाले लोगों की टोली में मुख्य है ये आरोपी। इसलिए अगर हम उस हाथ की ओर से जिसने विट्ठल भगवान के गले से कंठा उतारा है आज आंख बंद कर लेंगे तो कल वही पापी हाथ स्वयं विट्ठल मूर्ति को भी उठाकर दूर फेंकने से न चुकेगा। कल के उस महान अनर्थ को टालने के लिए और इन पाखंडियों की पूरी टोली को हमेशा को सबक सिखाने के लिए हम फैसला देते हैं कि इस भयंकर अपराध में आरोपी को सूली की सजा दी जाए। Thank you.
पत्थर की मूरत बनी पत्थर के भगवान मथुंदी नाथ की ओ बहने ये क्या बचपन लगा रखा है लाओ घसीट कर मेरे कंठ में तेरा नाम सदा क्यों फिरती पंचा चोरी मेरे कंठ में तेरा नाम सदा क्यों फिरती पंचा चोरी चित जो रहे माखन जो रहे दुख मैं जन्म जन्म की मात